इस समय की लाइव कवरेज में आपको बता दूं कि रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैद जो है वो मड कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं लगातार जिस तरह से आपको मड कॉन्स्टिट्यूएंसी की कवरेज हम लोग बता रहे हैं, उसी के चलते हर जगह हमने आपको बताया कि त्रिकोणीय श्रृंखला इस बार नजर आएगी। इस समय की लाइव आपको आप सब जानते हैं ये जितने लोग हैं ये मेरे सारे दोस्त हैं, भाई हैं, क्लास फेलो हैं और ये सारा हमारा परिवार है मर्द द्वार का। और आप जानते हैं ये सारे लोग जानते हैं कि मर्द की मेरे से बेहतर समस्या कोई नहीं जानता। यहाँ कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि भाजपा आपको प्रत्याशी उतारेगा, क्या आज ये जनसैलाब आपके साथ खड़ा है? ये भाजपा के साथ खड़ा है या कैद के साथ खड़ा है ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी जनसैलाब जो है वो बढ़कर है और लोगों की जो तमन्ना थी ये उसी बात का रिजल्ट है जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो मेरे ख्याल में 8th pass 9th फेल है। तो भाई ये मेरी एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सटी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू के साथ, और वहां का कैंडिडेट एक अंडर मैट्रिक जाए और वहां का कैंडिडेट ये जाए उसके बाद हमारे क्या भला होगा। ये लोगों ने फैसला कर लिया है कि जहां के लिए हम एजुकेटेड जो है एक कैंडिडेट जो है हम उसको चुनते हैं। आपका कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं आज भी मर को नकार रही है? आपके सामने है जो कैंडिडेट उनके पास थे उनकी क्वालिफिकेशन आप देख लें, वेरीफाई कर लें, उनकी आप क्वालिफिकेशन देख लें, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या बड़ा कर सकते हैं हमारा। ये कोई लोग एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊंगा इसको। अगर मुझे लोगों का आशीर्वाद जैसे मिल रहा है आप देखेंगे जब मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना कर आए भाई, जो आपके यहाँ पर निकट खड़े हैं ये सब जो है कमल के फूल के नीचे दिखते थे, आज कैद साहब के साथ ये दाएं बाएं खड़े हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इनसे? भाई साहब ये मेरे सारे भाई हैं, सब लोगों ने मुझे कहा कि जनाब आप इंडिपेंडेंट रहे, बेसिकली पार्टी का गलत डिसीजन जो था ये सारा लोगों के दिमाग में यही आक्रोश है, जो पार्टी ने गलत बंदे को मैंडेट दिया और अंडर मैट्रिक बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली का मीनिंग नहीं पता वो कैंडिडेट मर कर रहेगा। दीदी आप सरपंच हैं, आप भाजपा के साथ काफी देर खड़े रहे, क्या कह रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसे है कि मैं भाजपा के साथ 1992 से चल रहा था, हमने जब भी अपनी इस इलाके की लोगों के मुताबिक डिमांड रखी कि फलाना आदमी डिजर्व करता है, पहले हमारे यहाँ से चौधरी सुखनंदन थे और जब हम लोगों ने फैसले किए कि हम चौधरी सुखनंदन के साथ हैं, चौधरी सुखनंदन ने मार के लोगों के तो अपनी जिंद जान लगा दी लोगों के लिए, पार्टी ने उनकी भी नहीं सुनी, पार्टी ने चौधरी सुखनंदन की भी नहीं सुनी, तो उसके बाद मैंने 26 साल पार्टी के लिए काम किया है। तो आज ये आक्रोश है कि आज इस वक्त आप सभी मोदी साहब ये कहते हैं एक डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया को चलाएगा कौन, हमारी डिजिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाएगा कौन, क्या हमारा प्रत्याशी जो है वो 8th pass होगा, वो कैसे इसको डिजिटल बना सकता है? जी जी कहा जा रहा है त्रिकोणीय श्रृंखला होगी यहाँ पर मर ब्लॉक से, लगता है कोई त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं है, हमारा ये फैसला है। मैं भी 26 साल अपनी पंचायतों से सरपंच है, ये भी सरपंच है, ये हमारे भाजपा के प्रदेश यहाँ के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे, उसके बाद मंडल अध्यक्ष रहे, ये सारे भाजपा से ही आए हुए लोग हैं। तो पार्टी ने गलत डिसीजन किया, पार्टी ने कुछ मुट्ठी भर लोग चाल पूछ लोगों की वजह से जिन लोगों ने आके, अगर वो हमें कोई अफसोस नहीं था जिसको चौधरी सुखनंदन जी ने कैंडिडेट जो लिस्ट भेजी थी उसको चेंज करके पार्टी ने गलत प्रत्याशी दिया। आपसे लास्ट सवाल रहेगा, युवा आपकी मांग कर रहे हैं इसकी वजह बताइए। बेसिकली ऐसा है भाई साहब, मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ, मेरे से बेटर प्रॉब्लम इन युवा की कोई नहीं जान सकता, ये मेरे बच्चे हैं, आप सारे जानते हैं मैं एक एम्प्लॉयमेंट का पैकेज अपने मार्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जितना मेरा प्रायोरिटी रहेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए,
और जो महंगाई से हमारे बच्चों की कमर टूट रही है, हमारे बच्चे सिटी में जाके कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दिनों में सब इंस्पेक्टर की लिस्ट की इतनी बड़ी कंस्टिट्यूशन, 4 बच्चे लगे, आप उनका रिकॉर्ड देखें। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंस्टिट्यूंसी की है पीक में आ गई है, वो तो सारी स्टेट की है। पर साहब शहर में रहेंगे या गांव में अपनी जनता के साथ? साहब गांव में, जहां से पैदा हुआ वहां मरूंगा, आपके सामने रोपा। तो यहां पर लोगों को दूस रहूंगा, ये जनसभा में भी समय देख सकते हैं, सरपंच साथ में खड़े हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने कहा कि कौन शंकरा जीतेगा, जीतेगा कैसे जीतेगा, और इस बार जोर शोर के साथ सारे जोर जो है वो गैस जाएंगे, और गैस होंगे, और गैस कामयाबी सारे लोगों की कामयाबी। स्वागत है यहाँ पर टैक्स ऑफर करने के लिए, ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग देख सकते हैं अपने यहाँ पर, इन लोगों के चेहरे देख सकते हैं, किसी की राह यहाँ पर तमाम इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों की किसी की राह सामने नजर आ रही है, मैं उस लोग देख सकता हूँ क्या ये बड़ा जनसलाब यहाँ पर नजर आता होगा। मैंने पहले भी कहा त्रिपाणी शंकरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार देखने को मिला, ये तस्वीरें साफ दर्शाती है, पर यहाँ पर जो मेल अभ्यर्थी के साथ में खड़े हैं उनका कहना कोई त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं होगी, एक तरफी श्रृंखला साफ तौर पर विनिंग करेंगे, तो साथ में यहाँ पर लोग जो है वो बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय की आपको फिर से बता दूं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी स्वागत यहाँ पर साहब यहाँ पर स्वागत होते हुए तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए था भाजपा की तरफ से। इसी के चलते यहाँ पर जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात हुई, डिजिटल इंडिया की बात करते हुए मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने कहना था कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट तमाम लाइव तस्वीरें से बच्चे के समय के माध्यम से कौन जीतेगा मोर ब्लॉक से, कौन होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, वहां पर मेंबर जो की जम्मू कश्मीर के असेंबली में मोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रखेगा। आप लोगों की राय इतने ब्लॉक को बहुत अहम रहती है, कहीं ना कहीं इसी से साफ तौर पर रिजल्ट आ जाता है, और कोई भी आपसे भी जीता कर नहीं होगा। तमाम लोग यहाँ पर हमारे स्वागत, यहाँ पर SSP रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर यहाँ पर बड़े स्वागत होता हुआ हो रखे लंबा हसीन त्रिकोणीय शंकरा, एक बार फिर से बता दू यहाँ पर त्रिकोणीय शंकरा होने जा रही है, और यहाँ पर समर्थकों का कहना है कोई त्रिकोणीय शंकरा नहीं होगी, ये सिर्फ एक तरफा मुकाबला होगा। यहाँ से रिटायर्ड SSP कैच जो है वो विनर यहाँ पर इनके कार्यकर्ताओं का कहना। मैं आपको बता दूं कि लाइव कवरेज आपको तमाम
जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर जो बोल रहे थे उन सब ने यही कहा कि कोई त्रिकोणीय शंकरा नहीं होगी, पर आप लोगों की राय जो है वो बेहद अहम रहती है, आप लोग अपनी राय जरूर रखें। कौन मोड ब्लॉक से आने वाला एमएलए होगा, ये त्रिकोणीय शंकरा होगी या ना होगी, ये आप लोगों की अहम राय है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं।